मॉड्यूल 4 बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका बाल प्रबोधन प्रेरणापद कहानियां भाग 1। पहली कहानी, भला आदमी। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्चे के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बागीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए, वे वहां 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल कहते, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शनों के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर के प्रबंध कैसे कर सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी है। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और इसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको इस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मंगा कर ले गए और उस टुकड़े को खोद कर अपने वहां की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। कहानी 2, शिवाजी को बुढ़िया की सीख। बात उन दिनों की है जिन दिनों छत्रपति शिवाजी मुगलों के विरुद्ध छापा मार युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन रात को वे थके मांदे एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और कुछ खाने के लिए मांगा। बुढ़िया के घर में केवल चावल था, सो उसने प्रेम पूर्वक भात पकाया और उसे ही परोस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, सो झट से भात खाने की आतुरता में उंगलियां जला बैठे। हाथ की जलन शांत करने के लिए फूंकने लगे। यह देख बुढ़िया ने उनके चेहरे की ओर गौर से देखा और बोली, सिपाही, तेरी सूरत शिवाजी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उनने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ में मेरी भी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, तूने किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा ठंडा भात खाने की अपेक्षा बीच के सारे भात में हाथ डाला और उंगलियां जला ली। यही मूर्खता शिवाजी करता है। वह दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और हार जाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी
और पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की रीति नीति अपनाई। उस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः वे बड़े विजय पाने में समर्थ हुए। शुभारंभ हमेशा छोटे छोटे संकल्पों से होता है, तभी बड़े संकल्पों को पूरा करने का आत्मविश्वास जागृत होता है। कहानी 3, स्वर्ग के दर्शन। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें इसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्म का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ गया, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इससे उड़ गया। जब वह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया देखकर वह इतना बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने 2 संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए थे। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने पर की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई।
स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिपिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उस रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वही अदृश्य हो गए। कहानी चार, धर्म का मर्म। एक साधु शिष्यों के साथ कुंभ के मेले में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उनने एक बाबा को माला फेरते देखा, लेकिन वहां बाबा माला फेरते फेरते बार बार आंखें खोलकर देख लेते कि लोगों ने कितना दान दिया है। साधु हंसे वह आगे बढ़ गए। आगे एक पंडित जी भागवत कर रहे थे, पर उनका चेहरा यंत्रवत था, शब्द भी भावों से कोई संगति नहीं खा रहे थे। चेलों की जमात बैठी थी, उन्हें देखकर भी साधु खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर इस मंडली को एक व्यक्ति रोगी की परिचर्या करते मिला। वह उसके घावों को धोकर मरहम पट्टी कर रहा था, साथ ही अपनी मधुर वाणी से उसे बार बार सांत्वना दे रहा था। साधु कुछ देर उसे देखते रहे, उनकी आंखें छलछला आई। आश्रम में लौटते ही शिष्यों ने उनसे पहले दो स्थानों पर हंसने व फिर रोने का कारण पूछा। वे बोले, बेटा पहले दो स्थानों पर तो मात्र आडंबर था, पर भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही व्यक्ति आकुल दिखा, वह जो रोगी की परिचर्या कर रहा था। उसकी सेवा भावना देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और सोचने लगा, न जाने कब जनमानस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझेगा। कहानी पांच, ब्रह्मा जी के थैले। इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने एक बार मनुष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के सामने दो थैले धर दिए। वे बोले, इन थैलों को ले लो। इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराइयां भरी हैं, उसे पीठ पर लाद लो। उसे सदा बंद रखना, न तुम देखना न दूसरों को दिखाना। दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं, उसे सामने लटका लो और बार बार खोलकर देखा करो। मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसने अपनी बुराइयों का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बांध दिया। अपने पड़ोसी की बुराइयों से भरा थैला उसने सामने लटका लिया। उसका मुंह खोलकर वह उसे देखता रहता है और दूसरों को भी दिखाता रहता है। इससे उसने जो वरदान मांगे थे वे भी उल्टे हो गए। वह अवनति करने लगा, उसे दुख और अशांति मिलने लगी। तुम मनुष्य की वह भूल सुधार लो तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हें सुख शांति मिलेगी, जगत में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम्हें करना यह है
कि अपने पड़ोसी और परिचितों को दोष देखना बंद कर दो और अपने दोषों पर सदा दृष्टि रखो।